वेलकम बैक गाइज, मैं हूँ हमज़ा और मैंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है रिएक्शन टू यूट्यूब वीडियोस। हम लोग इस चैनल पे, मैं और मेरी टीम, हम लोग यूट्यूब की उन वीडियोस को रिएक्शन देंगे जिससे हम ये देखना चाहेंगे कि वो वीडियो हमें क्या सबक देना चाह रही है और क्या हमें बतलाना चाह रही है कि वो क्या शो कर रहे हैं। तो गाइज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज की जो पहली वीडियो है जिस पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उस वो है दी इडियट्स की वीडियो जिसका टाइटल है आज़ादी। तो चलो यार, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या सबक देना चाह रहे हैं हमें। तो यार, ये वीडियो शुरू हो गई, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जाहिल आवाम है ये पाकिस्तानी? क्या तुम पाकिस्तानी नहीं हो? अपनी मर्जी से नहीं हूँ, बाय डिफॉल्ट यहीं पे पैदा हुआ था। लेकिन फिर भी गलत बात है किसी एक बंदे की वजह से सारे पाकिस्तानियों को ब्लेम करना, गलत बात है। क्या गलत कहा है मैंने? हर कोई ऐसा ही है, पान गुटखा थूकना, कचरा फेंकना, चीटिंग करना। बेटा जो भी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। अपना घर है, अपना मुल्क है, सुकून की सांस लेते हैं हम लोग। किस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए? गंदा करने के लिए? यार ये बात गलत है, सही में अपना मुल्क है यार, आज़ादी है, हमें अपनी मिली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अभी से आज़ादी को भी मतलब के इतना लो ग्रेड कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। बात करवाया था मुल्क, इससे अच्छा अंग्रेज थे, कम से कम कुछ फैसिलिटीज होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता हमारा। जी बिल्कुल, अंग्रेज होते और उन्हीं अंग्रेजों के जूते साफ कर रहे होते और नौकर बनकर रह रहे होते। बिल्कुल जो है सही बात की है, अगर यार अंग्रेज होते तो क्या मिलता हमें, उन्हीं ये नौकर बन के रह रहे होते। बिल्कुल ही सही बात है यार, हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि हमें एक अपना वतन मिला है रहने के लिए। तुम्हें क्या पता कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया हमने? यार एक तो ये कुर्बानियाँ, जिसको देखो कुर्बानियाँ, इतनी कुर्बानियाँ, मुझे तो सब ये किस्से कहानियाँ लगती हैं। और आपको क्या पता, आप तो खुद यहाँ पे पैदा हुए थे। बेटा तुम्हारे दादा ने सब बताया था। अब किस तरह की बातों को सीरियस मत लें इतना, मतलब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन आखिरी दिनों में उनका नाम तक नहीं याद था। ये बस लोग किससे कहानियां बना देते हैं, बातों से बातें निकल जाती हैं। अच्छा सही यार, ये गलत बात है, ये बिल्कुल किससे कहानियां नहीं, ये सच्ची बात है यार, ऐसा होता है। बस ज्यादा जबान चलाने की और बदतमीजी की जरूरत नहीं है। वो बदतमीजी मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने देखी नहीं है मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता। खैर आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ जरा वो झंडियाँ ले लेना, वो छोटे ने मंगवाई हैं। अरे यार फिर वही झंडियाँ अगले दिन रोड पे पड़ी होंगी सारी, लोग चल रहे होंगे उसके ऊपर। बिल्कुल सही बात है यार, अगर आप लोग झंडियाँ लगाते हो तो उनकी इज्जत भी तो करो यार। फिर झंडियाँ लगा के अगले दिन रोड पे पड़ी होती हैं, लोग चल रहे होते हैं, थूक रहे होते हैं, जो भी होता है, गाड़ियाँ ऊपर से गुजर रही होती हैं, अगर आप लगाते हो यार तो फिर उनको संभाल के रखो अगले साल के लिए, फेंकने का क्या फ़ायदा है यार। अच्छा मैं अपने दोस्त नुमान के जा रहा हूँ, रात में वापसी में ले आऊँगा। ठीक है चलें। आजादी बेगम, हमाद से कहना कि सुबह जरा मेरे धोबी से कपड़े ले आए। हमाद तो नहीं आया अभी तक। नहीं आया? रात का एक बज रहा है, कहाँ है वो? फिर किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा, सुबह जैसे ही आएगा मैं बोलती हूँ उसे। हाँ वो नुमान क्या गया था, वो बंदा कम से कम एक कॉल कर देता है। खैर सुबह उसको याद से कह देना। जी जी ठीक है। बेगम हमाद आया था क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आया। नहीं आया? हद होती है, नंबर भी बन जा रहा है, अभी जाके लेकर आता हूँ मैं उसको, लेकिन तुम बीच में नहीं आना आज। खैर नहीं है उसकी आज। अरे वो क्या रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रही है। अच्छा शायद किडनैप हो गया। क्या हो भाई, कौन हो आप, क्यों पकड़ा मुझे भाई, मार क्यों रहे हो? आवाज नहीं आई। अब हुआ क्या है भाई? भाई अगर आपको पैसे चाहिए।
कहा भी है चुप हो जा, मार खाने का शौक है तुझे, ना तू बोलेगा ना मैं मारूंगा। अब मेरा अब्बू को कॉल कर। ओ यार शाबाश, अब आवाज तो नहीं आएगी। बात नहीं आया, मैं तो वहीं से मस्जिद चला गया था और नमान किया, मैंने पता किया तो कह रहे हैं कि कल रात 8 बजे चला गया था, मैं समझा अब तक आ गया होगा। या अल्लाह खैर, आप और दोस्तों को कॉल करें, पूछें सबसे कहाँ रह गया मेरा बेटा। कल हमाद आया था क्या? जी जी सब खैरियत है। अच्छा नहीं आया, कुछ पता चले तो फौरन कॉल करिएगा। जी भाई। फिर वाला कहा था ना आवाज आएगी तो मारूंगा। अबे अपनी मुंडी हिला, बहुत पिटेगा ये। बता लगी है भूख? मैं थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी ताकि जल्दी से आना मुझे यार सीन। अरे वाह, पानी पिएगा? गला तो सूख गया होगा तेरा। चल खाना पीना सब हो गया, शाबाश आके मेरे पैर दबा, जल्दी कर, जान लगा थोड़ी, जान लगा, अभी पानी पिलाया ना तुझे। भाई आपकी इजाजत हो तो एक बात बोलूं। चल बोल, एक बात बोल, लेकिन दबाते दबाते बोल। भाई अल्लाह के वास्ते मुझे इस अजिया से निकाले, मुझे आपने क्यों उठाया? आपको अगर पैसे चाहिए आप पैसे बता दें, मैं अपने अब्बू को कॉल कर लूंगा, आपको पैसे ला के दे देंगे, लेकिन अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम करें भाई। तूने तो कहा था एक बात है, ये तो 5-6 हो गई। शाबाश। जान लगा मुझे लग ही रहा था इस तरह का कुछ तो होगा। ओ अब ये पिटेगा, बहुत पिटेगा अब ये। सात बजे गए। अपने दोस्त को कॉल करें ना, वो जो ऐसे छो हैं वजाहत भाई, उनको कॉल करके देखें। अस्सलाम वालेकुम। बस खैरियत ही तो नहीं है, एक इमरजेंसी में कॉल की है मैंने आपको। वो असल में कल शाम से हमाद लापता है। हाँ हाँ तमाम दोस्तों को कॉल किए लेकिन वो कहीं नहीं है। बस कल रात 8 बजे नुमान के घर से निकला है। प्लीज़ प्लीज़ पता लगाइए, सब बहुत परेशान हैं। बहुत शुक्रिया, जल्द से जल्द पता लगाइए, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। अल्लाह हाफिज़। बेटा क्या हुआ? बेटा उठो। साहब कचरे में फेंक के चला गया था कोई रात को, कुछ खाना पीना कराओ, बिल्कुल जान नहीं है, बहुत मारा इसको, कहता है किसी ने उठा लिया था और मारता रहता था। बाकी SHO साहब पता लगवा लेंगे किसने किया है। वजाहत नहीं आया सर, नीचे गाड़ी में बैठे आपको बुलाया है। बेगम मैं जरा शुक्रिया अदा कर आता हूँ। जी जी ठीक है। अभी तक समझ नहीं आई है।
हाँ भाई पता चल गया अबे यार बहुत जरूरी था जनाब। अबे तो ये पंगा था, मुझे लगा सीरियसली किडनैप हो गया है। अच्छा तो ये ऐसे अच्छे हुई उसे किडनैप किया था। चलो आगे देखते ये बच्चे और ये नई नस्ल पता नहीं कहाँ जा रही है। वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अबे अल्लाह तो यार ये था पूरा जो प्रोसेस था इनकी आज़ादी और गुलामी वगैरह वगैरह। तो यार बात असल में ये है कि सीरियसली हमें ये जो वतन है ये बहुत कुर्बानियों बहुत जद्दोजहद के बाद मिला है। यार इस वतन को अगर हमें बनाना है हमें करप्शन ख़त्म करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सब ये किस्से कहानी है, कोई ये असल में जाने नहीं दी गई थी। ये किस्से कहानियाँ होती ना तो आज हम लोग अंग्रेज़ों के पैर दबा रहे होते सीरियसली। तो यार अगर आपके पास अपना आज़ाद मुल्क है तो उसकी इज्जत करो यार, उसकी इज्जत करो अपने वतन की, अपने वतन को साफ़ सुथरा रखो। और ऐसी किस्से कहानियाँ नहीं बनानी चाहिए अपने से कि भाई कोई जाने दी। तो यार अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो यार, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। और अगर कोई आप चाहते हो किसी और वीडियो पे मैं रिएक्शन करूं कोई तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।